हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस हेडफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है SH12। तो ये इसका मॉडल नंबर है हेडफोन का, और ये प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये और काफ़ी बिकता है। तो आज हम इसकी एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो बड़े बड़े हेडफोन्स में आपको नहीं मिलेंगे, वो सारे फीचर्स आपको इन हेडफोन्स में मिल जाते हैं। तो आज हम इसकी एक अनबॉक्सिंग करेंगे और एक आपको रिव्यू देकर बताऊंगा मैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, बट इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही रियलिटी वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा मेन ब्लूटूथ हेडफोन जिसका मॉडल नंबर है SH12। अब देखिए कुछ इस तरीके की इसकी बॉक्स पैकिंग है। यहाँ पर सिंपली बॉक्स में आपको दिख जाता है कि हेडफोन हमारा कैसा है, और इधर साइड की हम बात करें तो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी है इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज में इसकी सारी लिखी हुई है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बहुत ही आसानी से इसे पढ़ लेना। तो सिंपली इसे खोल करके हम इस ब्लूटूथ हेडफोन को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा मेन हेडफोन्स, और हेडफोन्स की जहाँ तक हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक ही है अपने प्राइस के हिसाब से। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है और ना ही हम इतनी बेकार क्वालिटी कहेंगे अपनी, इसी प्राइस के हिसाब से अपनी ठीक ठाक है क्वालिटी। और जहाँ तक हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर देखिए राइट साइड लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको वायरलेस स्टीरियो इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी। इधर की बात करें तो इधर L लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड है ये, और इधर भी वायरलेस और SH12 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कुशन दिया गया है, अंदर वैसे मेटल है लेकिन यहाँ पर आपको कुशन दिया गया है जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर जो इसके एडजस्ट करने के लिए दिया गया है हेडफोन्स को, वो काफ़ी सिंपल है, इसे आप डायरेक्टली खींच करके एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड से। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कुशन दी गई है आपको। और जहाँ तक हम इसके फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको बड़े बड़े हेड कंपनी के हेडफोन्स में ही फीचर नहीं मिलेंगे, वो इस प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके सारे की दे रखे हैं, ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है इसका, ये आपका मूड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, इससे आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और सॉन्ग्स वगैरह प्ले पॉज भी कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम प्लस का स्विच आ जाता है आपका, ये इंडिकेटर लाइट है दी, और ये जो है आपका ये ऑक्स केबल का ऑप्शन है। ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगा इसके अंदर कि अगर बाय चांस इसमें आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसे डायरेक्टली ऑक्स केबल से लगा करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक माइक के लिए आ जाता है, और ये हमारा चार्जिंग सेक्शन। और इसके अंदर एक फीचर्स और है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली अपना एसडी कार्ड लगा करके भी सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आपको ब्लूटूथ से इसके अंदर सॉन्ग्स नहीं सुनने तो आप डायरेक्टली एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, और आप FM से भी सॉन्ग सुन सकते हैं इसके अंदर। ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी इसे एक बार हम ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका पावर स्विच है, जैसे ही हम इसे पावर स्विच को स्लाइड करते हैं तो ये हमारा देखिए ब्लूटूथ ईयर हेडफोन ऑन हो चुका है। कि आप इसे देखिए, अगर आपको इसे कैरी करना है तो आप कुछ इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी फोल्डेबल है ये। बाकी आप वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं इसे एक बार अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसकी साउंड और बैटरी बैकअप के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस हेडफोन्स को काफ़ी टाइम तक यूज़ करा और मुझे इस हेडफोन्स में प्रॉब्लम तो कोई नहीं लगी फ्रेंड्स। और जहाँ तक हम इसके साउंड की बात करें फ्रेंड्स, तो इस हेडफोन में आपको एक नॉर्मल साउंड मिल जाती है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड है या बहुत ज़्यादा काम साउंड है, नॉर्मल आवाज़ आपको मिल जाती है। बेस वगैरह भी ठीक ठाक ही है, ये नहीं इतनी बुरी है, क्योंकि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको FM वगैरह ही मिल जाता है, और आप चिप वगैरह भी लगा करके आप इसके अंदर सॉन्ग सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत जो इस हेडफोन्स की मुझे लगी कि अगर आपकी इसके अंदर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप ऑक्स केबल लगा करके आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से भी इसे चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक का इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर हम वही इसकी गेमिंग की बात करें, अगर आप इसे गेमिंग पे यूज़ करना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए ये आपके लिए परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसे गेमिंग वगैरह पे यूज़ करा तो गेमिंग वगैरह पे इसमें लैग देखने को मिला मुझे। तो ये गेमिंग के मतलब के तो है नहीं। अगर आपको नॉर्मली सॉन्ग्स वगैरह सुनना है जिम वगैरह में जाने में या रनिंग वगैरह में, तो ये बहुत अच्छे हेडफोन है, आप इसे ले सकते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, नॉर्मल साउंड है, इतनी तेज़ साउंड नहीं है, और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक ही है। 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको आसानी से मिल जाता है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये ऑनलाइन आपको 500 से 600 रुपये के बीच में मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन ले सकते हैं तो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन ऑनलाइन आपको ये 500 से 600 रुपये के बीच में अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे कलर भी आते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कलर ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।